मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार को एक ट्रेन हादसा हो गया। यहां इंदौर से जबलपुर के बीच चलने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस के दो डब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना के कारणों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस घटना के चलते मुख्य लाइन पर रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। रेलवे अधिकारी ट्रेन की पटरी से उतरने के कारणों की जांच कर रहे हैं और पटरी को ठीक किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस जो इंदौर से आ रही थी और जबलपुर जा रही थी, जब डेड स्पॉट स्पीड पर थी तब उसके दो डिब्बे पटरी से उतर गए। किसी भी यात्री को हानि नहीं हुई है, सभी सुरक्षित हैं और अपने घरों के लिए रवाना भी हो चुके हैं। ये घटना सुबह लगभग 5:50 की है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही थी। स्टेशन से लगभग 150 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। साथ ही आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते कुछ महीनों में ट्रेन हादसों और पटरी से उतरने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले माह 17 अगस्त को वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के कम 20 डिब्बे कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास देर रात पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई थी। उससे पहले 4 अगस्त को उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन में वॉशिंग शेड ले जाते समय एक खाली लोकल ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों ने बताया कि MEMU ट्रेन खाली थी और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में गोंडा के पास मोतीगंज और जिलाही रेलवे स्टेशन के बीच चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15904 के 19 डिब्बे पटरी से उतर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे। बता दें कि कुछ दिन पहले जबलपुर संभाग के एक रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन लोहे की छड़ से टकरा गई, जिसके बाद RPF ने घटना की जांच शुरू की। पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकारियों को 18 अगस्त की रात करीब 10 बजे कछपुरा रेलवे स्टेशन के पास नैनपुर जबलपुर ट्रेन के लोहे की छड़ से टकराने की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि जबलपुर RPF ने इस घटना के सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या यह गड़बड़ी फैलाने की हरकत थी अथवा किसी ने अपना सामान वहां छोड़ा था। उन्होंने कहा कि RPF दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर संभाग के साथ मिलकर घटना की जांच कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।